इलाहाबाद शहर आप लोग जानते होंगे आईएएस पीसीएस यानी यूपीएससी के लिए फेमस है। उसी के साथ बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन भी करने आते हैं। यहाँ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसके बारे में भी आप जानते होंगे, काफ़ी लोग यहाँ से निकले हुए हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही कहीं चाचा विधायक है हमारे, और ना ही हमारे घर कोई नेता है। हम यूपी से हैं और यूपी उसी यूपी के प्रसिद्ध शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उपस्थित है। हेलो दोस्तों, आज हम हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर जिसका नाम है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, और उसी इलाहाबाद के प्रथम मतलब कहने का मतलब एकदम सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती एक दूसरे से मिलती हैं और मिलकर एक धारा बनाती हैं, उसी स्थान मतलब हम पवित्र संगम पे हैं। आइए दिखाते हैं वो पवित्र संगम का। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं नज़ारा। देखिए किस तरह से यहाँ पे मकर संक्रांति जब आती है तो कहीं ना कहीं घाटों पे लोग पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, तो उसी की तैयारियाँ बड़े जोरों शोर से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट का व्यवस्था बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं। बजट से बाहर होने के कारण हम लोग नाव पे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे पास से दिखाने का आपको। देखिए सजावटें बहुत तेजी से हो रही है यहाँ पे और नाव लगी हुई है। यदि आपको घूमना है तो आप आइए यहाँ पे, और अगर आप चाहते हैं कि हम दर्शन करें संगम तट से, आप गंगा जी की पानी यानी जो संगम की पानी है वो अपने घर ले जाके अपने घर पे रख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं तरीके से पवित्र ही माना जाता है। शुरू से तैयारी चल रही है जो कि एक भव्य मेला होने वाला है यहाँ पे, और आई थिंक कि आप लोग को इस मेले में आना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ का नज़ारा क्या है, सुंदरता क्या है, प्रसिद्धि क्या है, प्रसिद्धि का कारण क्या है, आपको आना चाहिए। आज के हमारे ऑनर और स्पीकिंग इन इंग्लिश छात्र जेबा से खंगालते हुए एक 20 का एक नोट निकला है, जिसे हम भाई नाव वाले भैया को बड़ा कहते कहते कन्विंस किए हैं, बाध्य किए हैं, वो हमें मात्र इतने रुपए में संगम घुमाएंगे। हम आप लोग को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए सोचे कि कोई ना कोई जुगाड़ करके कोई ना कोई तरकीब लगा के आपको संगम का दर्शन कराएं। तो हम लोग संगम पे आपको ले जा रहे हैं, नाव की मस्ती दिखाएंगे, कुछ ही देर में आप लोग को हम संगम दिखाएंगे, और उसी के साथ नाव में बैठे हैं और सारी प्रक्रिया आपको दिखाते चलेंगे। आप लोगों को पक्षियों की मस्ती दिखाएंगे, पक्षी दाना भी ले लिया है, तो आज आपको दिखाएंगे संगम की मस्ती। तो हम लोग की नाव कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाली है और हम लोग चल रहे हैं संगम की मस्ती देखने, आपको दिखाएंगे कौन। तो दोस्त नाच चुके हैं आप, गंगा नदी यहाँ से प्रभावित हो रही है, काफी तेज यह नदी चलती हुई। चाचा विधायक है हमारे, और ना ही हमारे घर कोई नेता है। हम यूपी से हैं और यूपी उसी यूपी के प्रसिद्ध शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उपस्थित है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ की जो सबसे फेमस यानी सबसे प्रसिद्ध चीज़ है वो है यहाँ संगम, तो उसी संगम का दर्शन कराएं। और हम
हमारी यही पूरी कोशिश होगी कि हम आपको करीब से करीब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शो कर पाएँ, दिखा पाएँ। और हम आपको मिलाते हैं हमारे बहुत करीबी दोस्त आकाश जी को, जो कि हमारे साथ वो भी आए हैं प्रयागराज में, प्रयागराज शहर को देखने घूमने परखने, यहाँ की हस्ती क्या है, यहाँ की मस्ती क्या है, यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और चीज़ों से अलग करती है, एक अलग वाइब, एक अलग सा माहौल देती है। इलाहाबाद शहर आप लोग जानते होंगे IAS PCS UPSC के लिए फेमस है। उसी के साथ बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन भी करने आते हैं, यहाँ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। काफ़ी लोग यहाँ से निकले हुए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बार जरूर आना चाहिए, और यहाँ से स्नातक की डिग्री या फिर स्नातक आपको करना चाहिए, मतलब क्या ही बताएं, एक गजब का माहौल रहता है इधर। तो दोस्तों अभी नाव चलने में थोड़ी देरी है, तो हम थोड़ा चलेंगे स्टॉप, और कुछ ही देर में नाव की मस्ती, संगम की मस्ती, इलाहाबाद की मस्ती आपके सामने शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों कुछ ही देर में दिखाते हैं आपको संगम। ये गड़बड़ है, पानी में डूब जाएगा, और जो वो लिए हैं वो कह रहे हैं कि वो तैरेगा, उसको पक्षी खाएगी, उसको नहीं खाएगी। वो भी तो इतना बड़ा बड़ा है भाई, आपको बता देंगे अगर इस दाने को, इस पक्षी दाने को पक्षी नहीं खाएगी तो हम लोग काफी है, हम लोग खाने के लिए बढ़िया है। तो नाव चलनी शुरू हो गई है, इसी के साथ आप मिलाते हैं अंकल जी से, जो नाव चालक है, नाविक है हमारे, जो हमें अपने गंतव्य स्थल तक लेके जाएंगे, संगम को दिखाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इंट्रोडक्शन फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नव नवीन छात्र प्रथम ईयर के, प्रथम वर्ष के कृपा सागर जी, जिनसे जो आपको भी कुछ बताएंगे इस नगर के बारे में। तो कृपा सागर जी आप बताइए, यहाँ की मतलब इस शहर के विख्यात होने का एक कारण बताइए, क्यों विख्यात जी? हेलो दोस्तों, एक तो जान ही रहे हैं कि इलाहाबाद बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी शहर है, जिससे यहाँ के संस्कृति में भी बहुत ही नाम है। जैसे कि यहाँ की संगम है, बहुत पहले से ही प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे मकर संक्रांति की नहान करने आते हैं, और कुंभ की मेला आप तो जान ही रहे हैं, जो कि 6 वर्षों में एक बार लगता है, जो 2019 में लगा था और 2025 में लगेगा। तत्काल में ही हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्य नारायण योगी जी आए थे, जो कि बताए कि वो तो ताकि थी आने वाली वर्षों में जो होगा कुंभ का मेला, बहुत ही भव्य यहाँ पर होगा, आप लोग आकर आनंद ले सकते हैं इसका। ताकि आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग संगम में घूम रहे हैं इस समय, क्या नज़ारा है उधर का। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं हम पक्षियों की मस्ती, पक्षी गाना के साथ। और ये है संगम घूमने का नज़ारा, नाव की मस्ती, और बगल में भैया हैं जो कह रहे हैं कि आप और पक्षी गाना ले सकते हैं, जो हमारे लिए आउट ऑफ बजट है। तो दोस्तों हमें इतना नहीं काम चलाना है, इतने में ही मतलब कम पैसे में आपको हम पूरा आनंद, पूरा मज़ा देना चाहेंगे, और देख ले सकते हैं आप कि पक्षी किस तरीके से आ रही हैं। पक्षी दाना पक्षियों के लिए पूरा आहार है उनका। कृपा सागर जी आपको अभी आगे बताएंगे, कृपा सागर जी आप कंटिन्यू करिए अपने कैमरे। तो दोस्तों देखिए, ये है संगम। संगम के पास अभी हम पहुंचे नहीं है, असल में अभी हम यमुना नदी में। देखिए ये है नाव की मस्ती यमुना नदी में, यमुना नदी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ है, जिस तरीके से उसकी धाराएं नीचे ऊपर हो रही है, हमारे लिए भी एक मनोरंजन की बात है, एक रोमांचक सा फील हो रहा है, हम रोमांचक। दोस्तों वो देखो, दोस्तों आपको दिखाते हैं नौ नवीन दो कपल हैं, जो अभी अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं संगम में, और वो भी अपने संगम में के चक्कर में पड़े हुए हैं।
खुद का भी संगम हो जाए। और हम माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से यही बड़ा जल्दी आ गया, यही प्रार्थना करते हैं कि उनका संगम सफल हो। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो चाह, जो इच्छा, जो लक्ष्य लेके जो शहर में आए हैं वो भी हमारा पूरी तरीके से पूरा हो। और एक जो उम्मीद लेके हम अपने नए शहर में आए हैं, अपना शहर छोड़ के, वो उम्मीद हमारी पूरी हो। हम चाहते हैं कि हम जिस आशा के साथ, जिस मतलब आंखों में एक आशा लेके आए थे, एक मुस्कान, एक चमक लेके आए थे, वही चमक और मुस्कान वापस लेके अपने शहर जाएं। और जिस राह पे हम निकलते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ सफल होने की राह पे निकले हैं, तो देखिए मैं लोग यमुना नदी में क्या ही कहें, अभी तो हम रुकना चाहते थे लेकिन हमारे लालची नुमैट सिद्धू चैनल वाले भैया हमको स्टॉप नहीं होने दिए। तो कोई बात नहीं, हम आपको आगे भी बहुत सी चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे। आप देख सकते हैं श्रद्धालु भक्त किस तरीके से यहाँ आते हैं, क्या है यहाँ पे, और मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लाइक भारत का ऐसा कोई शहर नहीं होगा जो छोटा होगा, शहर छोड़िए राज्य भी, तमिलनाडु केरला हो गया, भारत देश में आता है। हम लोग कुछ ही समय में पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे आ गए हैं मान लीजिए त्रिवेणी संगम पे। देखिए किस तरीके से यमुना नदी की धारा और गंगा नदी की धारा, माँ गंगा माँ यमुना आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है और एक संगम का निर्माण होता है जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं। हमारे साथ नीरज सही और यमुना नदी में संगम भर लाओ उधर ही दोस्तों की जो यमुना नदी के जल का, यानी माँ यमुना के जल का जो रंग है वो काला है और माँ गंगा के रंग को आप देख ही सकते हैं कि दोनों कलर आपस में यहाँ पे। माँ सरस्वती भी यहीं पे मिलती है, जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं, जिसे सभी यहाँ के हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। असल में समय बीतता जाता है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसी समय के बीतते हुए चरण में जो हमारी माँ सरस्वती नदी कहीं ना कहीं हमको दिखना बंद हो गई है, तो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत पुराने बहुत समय पहले ऐसा था कि तीनों नदियाँ आपस मिलती थी, त्रिवेणी का निर्माण करती थी, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज शहर के प्रसिद्ध होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे मतलब दो नदियाँ, दो विशाल नदियाँ आपस में मिलती हैं और यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाती है। यहाँ पे लोग सख्त बनता है, लोग ऐसे बीच में तो नहा नहीं पाते हैं तो आते हैं और गाँव वाले भैया लोग अपना बनाए रहते हैं, लोग सख्त बनाते हैं जिससे लोग डर के आराम Among the midnight sky, all the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling.
cool.